दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार करने के बाद नहाना क्यों आवश्यक होता है? नहीं तो चलिए आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अंतिम संस्कार के बाद स्नान बहुत आवश्यक है। आइए जानते हैं इस विषय के बारे में। हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा है कि शव यात्रा में सम्मिलित होने और दाह संस्कार के अवसर पर उपस्थित रहने से व्यक्ति को कुछ देर के लिए ही सही लेकिन जीवन की सत्यता का आभास होता है। जब शमशान जाने के आध्यात्मिक लाभ है तो वहां से आकर तुरंत स्नान करने की आवश्यकता क्या है? ये प्रश्न अधिकतम लोगों के मन में आता ही होगा। तो आइए बताते हैं कि इस परंपरा के धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है। धार्मिक कारण यह है कि शमशान भूमि पर निरंतर सभ्यता जैसे ही कार्य होते रहने से वहां एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बन जाता है जो कमजोर मनोबल के व्यक्ति को हानि पहुँचा सकता है, क्योंकि स्त्रियाँ अपेक्षाकृत पुरुषों के अधिकतम भावुक होती है, इसलिए उन्हें शमशान भूमि पर आने जाने से रोका जाता है। शास्त्रानुसार दाह संस्कार के बाद भी मृत आत्मा का सूक्ष्म शरीर कुछ समय तक वहां उपस्थित रहता है जो अपनी प्रकृति के अनुसार कोई हानिकारक प्रभाव भी डाल सकता है। वैज्ञानिक कारणों के अनुसार मृत शरीर का अंतिम संस्कार होने से पहले ही वातावरण सूक्ष्म और संक्रामक अणु कीटाणुओं से ग्रसित हो जाता है। इसके साथ ही मृत व्यक्ति भी किसी संक्रामक रोगों से ग्रसित रहा हो सकता है जिस कारण वहां पर उपस्थित लोगों पर किसी संक्रामक रोग का प्रभाव होने की संभावना रहती है। स्नान कर लेने से संक्रमण कीटाणु आदि पानी के साथ ही बह जाते हैं। जब कोई जल्दी चीता के आगे खड़ा रहता है तब उसके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा पिघल जाती है जो शमशान में ही संभव है, क्योंकि शवदाह के स्थान पर मंगल और शनि की ऊर्जा बहुत होती है जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा पिघल जाती है। हमारे ऋषि मुनि बहुत विद्वान थे और उन्होंने शमशान में बावड़ी या कुआं बनवाए थे और शवदाह समाप्त होने के बाद सभी स्नान कर प्रकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो जाते थे। इसलिए शास्त्र में बताया है, मंगल काम में न जाओ तो कोई बात नहीं लेकिन अंतिम क्रिया में अवश्य भाग ले। इस कारणों से सब यात्रा में भाग लेने के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए, इसके बाद ही आगे कुछ और कार्य करने चाहिए। सो गाइस, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड प्लीज गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।